प्यारे बच्चों, मैं सुधा पासवान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम लोग विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11 के अध्याय 2 परमाणु की संरचना के भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। और पाठ को अच्छे से समझने के लिए या अध्ययन की सुविधा के लिए हमने पूरे अध्याय को बच्चों 3 भागों में विभाजित कर दिया है, 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। भाग 1 में हम प्रस्तावना, मूल कणों के गुण और परमाणु का थॉमसन और जो रदरफोर्ड मॉडल है उस पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में हम बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल और दे ब्रॉगली संबंध तथा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता जो सिद्धांत है उनका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अंतिम भाग है वो भाग 3 होगा इस अध्याय का, जिसमें हम क्वांटम संख्याएं, परमाणु कक्षकों की आकृतियां एवं अभाव सिद्धांत, पाउली का पॉइसन सिद्धांत तथा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की हम ये जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है जो चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे बच्चों, वो इस प्रकार होंगे। जो मूल कण होते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं सामान्य, वो हम लोग देख लेंगे। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। समस्थानिक एवं संभारिक क्या होते हैं, इनको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, इनको जानेंगे। और परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है, इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी। और अंत में हम ये रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल एवं रदरफोर्ड मॉडल के जो भी दोष हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और परमाणु के बारे में और बात करते हैं। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बच्चों बहुत पहले से ही, करीब देखिए 400 ईसा पूर्व में ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। बहुत पहले, देखिए 400 ईसा पूर्व, इसमें ही माना गया कि जो परमाणु हैं वे द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। आप जानते हैं जो द्रव्य है या मैटर है वो क्या होता है, इसके 3 भाग हैं, ठोस, बच्चों द्रव और गैस। जो मैटर है या जो द्रव्य होते हैं वे ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पूर्व की कक्षाओं में आप ये पढ़ चुके हैं। तो ये द्रव्य के जो मूल संरचनात्मक भाग होते हैं और पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। और जो परमाणु शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का क्या अर्थ है जानिए, ATOMIO, एटोमियो, न काटे जाने वाला, अनकटेबल या अविभाज्य, जिसे और विभाजित न किया जा सके। ये तो आपकी एकदम स्टार्टिंग या पहले की जो कल्पना थी वो प्रस्तावित की गई थी। उसके बाद सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था बच्चों, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और 19वीं शताब्दी के अंत में
और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों द्वारा यह स्थापित हो गया कि परमाणुओं को छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। आप ये देखिए, एक सारणी है, ये मूल कणों के गुण को प्रदर्शित कर रही है। इसमें जो परमाणु के कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दिखाया गया है, ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई, इंग्लिश के स्मॉल ई से, और ये इसका जो है आवेश है 1.602176 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका जो सापेक्ष आवेश होता है वो -1 होता है। बच्चों, ये इसका द्रव्यमान है। इसी प्रकार प्रोटॉन अंग्रेजी के स्मॉल पी अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, और इस पर जो आवेश है वो धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक है और प्रोटॉन का धनात्मक है, मान सेम है, चिन्ह विपरीत है। धन 1.602176 × 10⁻¹⁹ या -19, और ये सापेक्ष आवेश है -1। इसी प्रकार देखिए, जो न्यूट्रॉन कण है इसका प्रतीक चिन्ह अंग्रेजी का स्मॉल n है, और इस पर जो है आवेश बच्चों 0 होता है, और ये इसका द्रव्यमान। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने स्थापित किया कि परमाणु के छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु को इनमें विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद में जो परमाणु हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, जो तत्व हैं वो भौतिक और जो रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, और जो विभिन्न परमाणु हैं वे आपस में मिलकर किस प्रकार अन्य अणुओं का निर्माण करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, और परमाणु की स्टेबिलिटी जानने के लिए कई प्रकार के परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए ताकि उनकी व्याख्या की जा सके। उसमें है एक आपका परमाणु मॉडल, इसका नाम है थॉमसन। बच्चों, परमाणु का थॉमसन मॉडल, इसके अन्य नाम भी हैं वो भी आप जानिए। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रेजिन पुडिंग मॉडल भी है, और इसे तरबूज वाटर मेलन मॉडल कहते हैं। इन्होंने, थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को, जो धनावेश है उसको पुडिंग अथवा तरबूज के समान मान लिया जाए, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से क्या होगा, बटा हुआ माना जाएगा। आप इस चित्र को देखिए, ये परमाणु का थॉमसन मॉडल है, और इन्होंने ये इसको माना था ये गोले के समान, और ये तरबूज की तरह है जिसमें जो है आपका पुडिंग है, और बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह इसमें बिखरे हुए हैं। इसके पश्चात रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने भी अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल बच्चों प्रस्तुत किया। उन्होंने मॉडल को प्रस्तुत करने से पहले एक प्रयोग किया, और ये प्रयोग बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग में बच्चों इन्होंने जो है अल्फा कर्ण का स्रोत लिया था, और लेड की एक प्लेट ली थी, और जो अल्फा कर्ण है इनका प्रकीर्णन कराया था सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी थी उस पर, और ये जो सोने की पतली पन्नी है इसके जो चारों तरफ फोटोग्राफी प्लेट है, ये आपका रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है। जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले, और उन्होंने प्रयोग द्वारा एनालिसिस करके ये देखा था कि जो अल्फा कण के पुंज हैं वे बहुत सारे अल्फा कण हैं जो सीधे अपनी मार्ग से विचलित हुए, क्या है, सीधे वो निकल गए या आर पार हो गए परमाणु के, और कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो विक्षेपित हुए,
कुछ ऐसे थे जो एक बहुत ही न्यून स्थान पर 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, और कुछ अल्फा कण जो थे वे थोड़ा कम विक्षेपित हुए। तो जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो एक सामान्य निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसका जो अधिकांश भाग होता है बच्चों वो खाली होता है, और जहाँ पे विक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर ये माना गया कि कुछ जो अल्फा कण होते हैं वे धनावेशित होते हैं, वापस आ रहे हैं। इसका मतलब जिससे वापस आ रहे हैं उससे प्रतिकर्षण हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ धनावेश है और उसी से प्रतिकर्षित होकर ये जो अल्फा कण हैं वे विक्षेपित हो जा रहे हैं। और इन्होंने गणना द्वारा पाया कि जो परमाणु का जो वो अल्प भाग है वो अल्फा कण जो है जो कि धनावेशित है उसके समान आवेश का है, और अगर आप एक फील्ड लें बड़ा और उसकी त्रिज्या 5 किलोमीटर माने, और उसी फील्ड को हम मान रहे हैं परमाणु, और उसकी जो त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या को मान लें 5 किलोमीटर, तो सोचिए उसकी साइज कितनी ज़्यादा होगी। और उसमें एक क्रिकेट की छोटी सी गेंद ले लें, ठीक, वो आपका वो बीच का धनावेशित भाग है। तो इस प्रकार जो बीच का वो भाग था जहाँ से अल्फा कण जो है टकरा कर वापस आए थे वो बहुत ही कम आयतन लिए हुए था, स्थान घिरे हुए था, और बाकी जो पूरा जो भाग है परमाणु का वो खाली है, वो इन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया। उसके बाद अपने प्रयोग और परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने फिर अपना परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है बच्चों। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश, जो धनावेश है, अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में ही केंद्रित था, और परमाणु के इस अति अल्प या छोटे भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, जो धनावेशित भाग था जो बहुत अल्प क्षेत्र में था उसका इन्होंने नाम दिया नाभिक। इसके बाद इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है में बहुत तेजी से घूमते हैं, और ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसकी जो तुलना है वो सौर मंडल से भी की गई है। जैसे सूर्य को नाभिक माना गया और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, तो सूर्य जो नाभिक है उसको सूर्य के समान मान लिया गया, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विभिन्न ग्रह मान लिए गए, और इस प्रकार से सौर मंडल मॉडल पर इनका परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत हुआ। और इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा नाभिक का कॉन्सेप्ट आया, और ये कॉन्सेप्ट आया कि जो नाभिक होता है बच्चों वो धनावेशित होता है। और पूर्व में ही हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वे भी धनावेशित होते हैं और वे परमाणु में पाए जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो परमाणु संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इनकी परिभाषा और इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इस पर बात करते हैं। जो नाभिक का धनावेश होता है बच्चों वे उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, और जो नाभिक होता है वो भी धनावेशित होता है। ये प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने बताया। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है, तो यदि प्रोटॉन धनावेशित हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, विपरीत आवेश का। तो परमाणु संख्या क्या हुई, देखिए परमाणु संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु संख्या हो गई परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या उदासीन, इस पर ध्यान दीजिएगा, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होती है आपकी परमाणु संख्या। दूसरी ये जो है प्रॉपर्टी द्रव्यमान संख्या, वो क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों, नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या ही क्या है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको थोड़ा और विस्तार से देखिए, देखिए न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और देखिए जो द्रव्यमान संख्या है वो अंग्रेजी के कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित है, कैपिटल ए। तो द्रव्यमान संख्या ए प्रोटॉनों की संख्या जेड और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाएगी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। इसके बाद दो नए शब्द हैं, समस्थानिक एवं संभारिक। ये क्या होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों जो समस्थानिक होता है वह परमाणु होता है जिनकी परमाणु संख्या समान, इस पर ध्यान दीजिए। परमाणु संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी, और द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या होगी, भिन्न होगी। इसको उदाहरण द्वारा समझें तो और सरलता से हम समझ सकते हैं। तो हमने हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लिया है, ये देखिए हमने कहा कि परमाणु संख्या समान, ये हाइड्रोजन है, देखिए परमाणु संख्या, ये इसके समस्थानिक हैं प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2, ट्राइटियम 1T3। अब तीनों को ध्यान से देखिए तो जो आपका परमाणु संख्या है एक एक एक, तीनों में समान है, और जो द्रव्यमान संख्या है प्रोटियम में एक, ड्यूटेरियम में दो और ट्राइटियम में तीन है बच्चों, जो कि भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं अन्य उदाहरण द्वारा। ये देखिए हमने कार्बन का परमाणु लिया है बच्चों, ध्यान से देखिए कार्बन, इसमें 6 परमाणु संख्या, ये कार्बन 6, इसमें भी 6 है परमाणु संख्या, इसमें भी 6 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और इस कार्बन परमाणु में 14 है। तो ये जो कार्बन के परमाणु हैं ये समस्थानिक हैं, जिसमें क्या है परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। हमने एक और उदाहरण लिया हुआ है क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु में देखिए 17 परमाणु संख्या समान है, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 37 द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार ये क्लोरीन परमाणु के जो है समस्थानिक हैं। परमाणु के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, और क्या होता है, इसीलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें समस्थानिक जो हैं वो एक सा व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब बात करते हैं संभारिक, संभारिक क्या है, तो जो संभारिक होते हैं वे समान द्रव्यमान संख्या, इस पर देखिए ध्यान दीजिए, समान द्रव्यमान संख्या होती है उनकी, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है बच्चों वो भिन्न होती है, उसके परमाणु होते हैं। इसको हमने एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है, कार्बन 6, देखिए इसमें परमाणु क्रमांक जो है 6 है, और जो आपकी द्रव्यमान संख्या वो 14 है। ये लिया है हमने नाइट्रोजन, इसमें आपकी जो परमाणु संख्या है वो 7 हो गई है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो 14। तो यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या 14 और यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या 14। तो जब समान द्रव्यमान संख्या होगी और परमाणु संख्या भिन्न होगी तो वे क्या कहलाएंगे, संभारिक। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ब्रोमीन 3580 में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। ब्रोमीन 35 जेड इक्वल टू 35 परमाणु संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है 35, और द्रव्यमान संख्या 80 दी हुई है ए। तो इसका परमाणु संख्या 35 है और द्रव्यमान संख्या
80 है और ये जो स्पीसीज है वो उदासीन है। अब प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अगर उदासीन स्पीसीज है तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, और प्रोटॉन की संख्या कितनी आ रही है 35। क्यों? क्योंकि वही जो है परमाणु संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जेड और ये हो जाएगी 35। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, हम जो इसकी द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम जब प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तब जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें कौन कौन से दोष पाए गए। रदरफोर्ड ने क्या कहा पहले इसको समझें। रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वो सौर मंडल का एक छोटा सा रूप था, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। उन्होंने नाभिक को भारी सूर्य की तरह माना था और इलेक्ट्रॉन को हल्के ग्रहों की तरह सोचा था, और यह माना गया था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के जो बीच है वो कूलॉम्ब बल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर बच्चों Q1 और Q2 क्या है आवेश है, स्मॉल r क्या है इन आवेश के मध्य दूरी है, और जो स्मॉल k है वो एक आनुपातिक स्थिरांक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि फिर इसको जो है हम कूलॉम बल को अगर गणितीय रूप में लिखें तो गणितीय रूप से ये गुरुत्वाकर्षण बल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के समान हो जाएगा, जहाँ पर m1 और m2 क्या हैं द्रव्यमान हैं, और जो स्मॉल r है वो इन द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, और कैपिटल G जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। आगे जो सौर मंडल है उस पर बच्चों चीर सम्मत यांत्रिकी को लागू किया जाता है, और यह एक सैद्धांतिक विज्ञान है, और ये खुद न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है। आप न्यूटन के जो गति के तीन नियम हैं उनको पूर्व की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और न्यूटन के गति के नियम पर ही जो चीर सम्मत यांत्रिकी है वो बच्चों वहीं से इसका उद्भव माना गया है। देखिए सौर मंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते रहते हैं। जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसमें बच्चों त्वरण या एक्सीलरेशन होता है। तो नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की ही तरह जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें भी अब त्वरण होना चाहिए, जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसमें। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए, और इसके लिए क्या होगा, इस विकिरण के लिए जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनिक गति से ही प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, इस प्रकार जो है जो कक्षा होगी या ऑर्बिट होगी वो छोटी होती चली जाएगी, और जब गणना की गई तो उससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो सर्पिल गति करते हुए नाभिक में पहुंचने में 10^-8 सेकंड लगेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन गति का चीर सम्मत यांत्रिकी तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन कर दिया जाए तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है किसी भी परमाणु के अस्थायित्व
या स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाता है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लें तब क्या होगा? अगर हम स्थिर मान लें तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा। इससे क्या हो जाएगा? थॉमसन परमाणु मॉडल का एक लघु रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो रदरफोर्ड का मॉडल का दूसरा सबसे गंभीर दोष है वो यह है कि यह परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। इस प्रकार हमने देखा जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसने परमाणु की स्टेबिलिटी और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो थॉमसन मॉडल था बच्चों उसमें भी यही था कि उसके जो परमाणु के विभिन्न गुण हैं उसका वर्णन वो नहीं कर पा रहा था। तो आज हमने परमाणु के जो थॉमसन का मॉडल है उसको देखा और रदरफोर्ड के प्रयोग और उनका जो मॉडल है उसके बारे में बात की। इसके अलावा बच्चों हमने जो परमाणु हैं उसके मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बातें की और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या समभारिक और समस्थानिक पर हमने चर्चा की। आइए अब ये आज का आपका गृह कार्य है। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, इनको हल करने की जरूर कोशिश करिए। यदि आप इनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चों परमाणु संरचना है इसका जो भाग दो है उसमें हम बोर का परमाणु मॉडल और जो परमाणु का यांत्रिकी मॉडल है और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, डी ब्रॉगली का जो समीकरण है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों धन्यवाद।